सो हेलो एवरीवन, अमन परमार दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, क्या आपको भी लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है? मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर, हम सब चीजें फॉलो कर रहे हैं, हम डीएम्स भी कर रहे हैं, हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं, हम ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं, बट हमारे पास लीड्स ही नहीं आ रही। और थोड़ी बहुत लीड्स आ भी रही है तो वो जंक लीड है, वो बस बहाने दे रही है, वो ऑब्जेक्शन ही दे रही है, बट वो ज्वाइन ही नहीं करती, राइट? हम उनको कितना ही फॉलोअप ले ले फिर भी वो ज्वाइन नहीं करती। सो गाइस, इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका लीड का फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा और वो भी क्वालिफाइड लीड्स रहेंगी आपके पास। आज के इस वीडियो में हम डीएम्स के बारे में, पेज प्रमोशन एंड रन, फेसबुक ग्रुप्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि आपके इंडस्ट्री के टॉप लोग फॉलो करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जो काम आप कर रहे हो वही आपके इंडस्ट्री के टॉप लोग भी कर रहे हैं, जो टॉप अर्नर्स है वो भी कर रहे हैं, जो दिग्गज लोग हैं वो भी कर रहे हैं। वो काम कुछ अलग नहीं करते, बट वो स्ट्रेटेजीज अलग यूज करते हैं जो कि आप नहीं करते, राइट? सो कौन सा वो तरीका है जिनको वो फॉलो करके मैसिव लीड जनरेट करते और उनके पास लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है? सो वो है वीडियो मार्केटिंग। अगर आपको अपने बिजनेस को ऐसे लेके जाना है और डेली बेसिस पे बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है तो आपको वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वीडियो मार्केटिंग करना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको सब चीजें बताने वाला हूँ कि वीडियो मार्केटिंग कैसे करनी है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट देखें ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो सके एंड आज के बाद से आपकी लीड की प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो जाए। सो गाइस, वीडियो मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो एंड आपके प्रोफाइल पे कोई भी अननोन पर्सन आ रहा है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आपने वो लाइन तो सुनी होगी, जो दिखेगा वही बिकेगा। सो गाइस, वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब वीडियो मार्केटिंग करने के लिए दो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं दो प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर रहा हूँ। पहला तो जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब, और सेकंड है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे आप रील्स और आईजीटीवी के थ्रू अपलोड कर सकते हो अपने कंटेंट को, एंड वीडियो कंटेंट का बता रहा हूँ, बाकी पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यूट्यूब पे आप नॉर्मल वीडियोस अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम पे हमें किन चीजों को फॉलो करना है और कैसे रील्स और वीडियोस को अपलोड करना है। सो इंस्टाग्राम पे वीडियो क्रिएट करने का जो पहला तरीका है वो है रील्स, जो कि आज के समय पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, राइट? सो रील्स बनाने के लिए आपको क्या किन चीजों को ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है क्वालिटी पे एंड उसके बाद आपको फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे, राइट? क्वालिटी, देखो मैं क्वालिटी के लिए ये नहीं बोल रहा कि आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, आपके पास आईफोन होना चाहिए। मैंने भी अपनी जर्नी रियलमी 3 से स्टार्ट करी थी, राइट? और अभी इससे पहले तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है इसी फोन से बनाई है। बट ट्राई ये करो कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसमें आप बेस्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपके घर में अच्छी लाइटिंग नहीं है तो सनलाइट में जाके आप वीडियोस बना सकते हो, वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। एंड एक बोया M1 माइक ले सकते हो, राइट? उससे आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर आएगी। तो ऐसे करके आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आप शेड्यूल बनाओ कि वीक में मुझे मतलब पर डे एक वीडियो तो अपलोड करनी करनी है, वीक की 7 वीडियो हो गई। अब आप चाहो तो संडे को वो 7 वीडियो एक ही दिन में रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रील्स कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, रील्स बनाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप वैल्यूएबल रील्स बना सकते हो, आप रिलेटेबल कॉन्टेंट बना सकते हो। अभी आपने देखा होगा रील्स पे ऐसे बहुत सारे ऑडियो आते हैं जो कि रिलेटेबल होते हैं, उन पे कंटेंट बना सकते हो। ट्रेंडिंग ऑडियोज आते हैं उन पे आप कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद आप प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हो, प्रमोशनल कंटेंट से लोग बहुत अच्छी लीड जनरेट करते हैं। सो इन सब तरीकों पे आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये सीखना है कि ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे फाइंड करना होता है, उस पे रील्स कैसे क्रिएट करनी होती है और उसको एडिट कैसे करनी होती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा और इन डेप्थ में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करके उनको एडिट कैसे करना होता है एंड ट्रेंडिंग ऑडियोस पे पोस्ट कैसे करना होता है, अपलोड कैसे करना होता है। सो पहला तो हो गया कि हमें रील्स बनाना स्टार्ट करना है। सेकंड हो गया आईजीटीवी। देखो, आईजीटीवी थोड़ी लॉन्ग वीडियोस होती है। अब इसका एक हैक बताता हूँ मैं कि जब आप सेकंड वाले तरीके पे काम करोगे जो कि था हमारा यूट्यूब। सो देखो, यूट्यूब पे जब आप काम करोगे तो यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी वीडियो बनाओगे, तो यूट्यूब की जो वीडियोज है उन्हीं को आप थोड़ा बहुत एडिट करके आईजीटीवी पे अपलोड कर सकती हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अब इसके बाद आते हैं हम यूट्यूब पे एंड समझते हैं कि यूट्यूब पे कैसे काम करना होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको नंबर्स पे फोकस नहीं करना है।
कई बिगनर्स क्या करते हैं कि वो 4-5-10 वीडियोस अपलोड करते हैं, फिर उनके व्यूज नहीं आते, उनके सब्सक्राइबर्स गेन नहीं होते, तो वो क्विट करके चले जाते हैं। गाइज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा समय लगता है। यूट्यूब पे आपको स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली बेसिस पे भी वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए एंड वीडियोस भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इनिशियली तो हमें नंबर्स पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, बस कंटेंट पे फोकस करो एंड कंटेंट को डे बाय डे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसमें क्या क्या अपग्रेड कर सकते हो, उस पर फोकस करो, देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यूट्यूब से जो लीड आती है वो बहुत क्वालिफाइड आती है। अब जैसे मैं भी बहुत समय से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे पास भी बहुत से लीड्स आती हैं, राइट। तो उनसे जब हम बात करते हैं, चैटिंग पे बात करते हैं या कॉलिंग पे बात करते हैं, तो हमें अलग ही समझ में जाता है कि ये बंदा एम्बिशियस है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। और वो ऐसे फिजूल के ऑब्जेक्शन भी नहीं देता कि सर मेरे तो पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, ये सब वो लोग ऑलरेडी रिसर्च करके आते हैं, बस उनको ट्रस्ट की नीड होती है। अगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया तो वो तुरंत आपके साथ स्टार्ट कर देंगे, बट आपको झूठे प्रॉमिस करके स्टार्ट नहीं करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो ट्रस्ट जीतने के लिए कि मैं आपकी 1 महीने में 50,000 की इनकम करवा दूंगा, और फिर पता चल रहा है कि आपकी 20,000 की नहीं हो पा रही है, तो आप उसकी कैसे 50,000 की करवा पाओगे। तो हमें कभी भी अनएथिकल सेलिंग नहीं करनी है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बता के रखा है, झूठ बोल के ज्वाइन नहीं करवाना है। ऐसे प्रॉमिस करो जो आप उनको कंप्लीट करके दे पाओ, या फिर उससे पहले एक रोड मैप डिजाइन कर लो। जब भी क्लोजिंग्स करते हो उससे पहले एक रोड मैप डिजाइन कर लो कि अगर कोई भी पर्सन इस रोड मैप को फॉलो करता है तो उसकी 30 दिन में मिनिमम 15,000 की इनकम तो एनी हाउ हो ही जाएगी। अब वो खैर मेहनत नहीं कर रहा है तो वो अलग बात है, बट वो अगर मेहनत करेगा तो हो ही जाएगी, इतनी गारंटी होनी चाहिए, देन वो प्रॉमिस आप उससे कर सकते हो। और एक और चीज कि अगर आप YouTube पे कंटेंट अपलोड करते हो तो आपकी नीश डिसाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप ब्लॉग अपलोड कर रहे हो, कभी कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हो, कभी शॉर्ट अपलोड कर रहे हो, अगर ऐसे खिचड़ी पका दोगे तो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। जैसे मेरी जो नीश है वो है एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग, लीड जनरेशन, और जो भी सेल्स के अंदर आता है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, राइट, एडिटिंग के रिगार्डिंग। अब अगर मैं इस पे भी ब्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर दूं, शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूं एंड फनी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दूं, मीम अपलोड करना स्टार्ट कर दूं, तो मुझे कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, मुझे कोई देखेगा ही नहीं, राइट। और जो मेरी ऑडियंस है वो और किसी के पास चल जाए। सो आपको नीश डिसाइड करके काम करना है, उसी नीश पे कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहो और आपके पास लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनिशियली तो नहीं होगा, इनिशियली आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको लीड्स की कमी कभी नहीं होगी। कई बार तो ऐसा भी होगा कि जैसे अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने अफिलिएट लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड जो पर्सन सीरियस होगा वो उस लिंक पे जाएगा, परचेज करेगा और डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। ऐसा भी होता है, ये यूट्यूब की पावर है। सो गाइस आज ही से वीडियो कंटेंट पर फोकस करना स्टार्ट करो। देखो मुझे पता है कि आप लोग डीएम करते हो, आप लोग पेज प्रमोशन करते हो, आप लोग ग्रुप्स में मैसेज करते हो, फेसबुक पे काम करते हो, फेसबुक एड रन करते हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं। सो आज ही से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी पर्सन कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है, पहले वो आपको देखता है। कंपनी तो बात की बात है, राइट। अगर आप खुद का भी कोई प्रोडक्ट बना के बेच दोगे एंड आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है तो वो प्रोडक्ट भी लोग परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं, उनको आपसे मतलब है। आप उनको गाइड कर पाओगे कि नहीं, आप में कितनी पोटेंशियल है, आप में कितनी पावर है, आपके पास कितना नॉलेज है, उसको इससे मतलब है, क्योंकि वो तो आपके साथ स्टार्ट कर रहा है ना। सो गाइस अभी तक जितनी भी चीजों को आप फॉलो करते आ रहे थे, डीएम्स हो गया और जो भी तरीके थे, उनके साथ साथ आज ही से पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है इनिशियली रिजल्ट्स ना मिले, बट कंसिस्टेंसी से करते रहना है आपको। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स ना मिल रहे हो तो आप क्विट कर दो, आप वीडियोस बनाना छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशियली व्यूज नहीं आएंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे आपकी स्किल्स इंप्रूव होना स्टार्ट होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी, देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी। और अगर अभी भी आपको डाउट आ रहा है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक काम करना, जो भी आपकी इंडस्ट्री के टॉप दिग्गज लोग हैं, टॉप अर्नर्स हैं, एक बार जाके चेकआउट करना, एक बार नोटिस करना कि वो लोग वीडियोस पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो लोग यूट्यूब पे एक्टिव हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं। अब भले ही वो प्रमोशनल कंटेंट बना रहे हैं, वो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, बट वो कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं जिससे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं और वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो वीडियो कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट करो, बहुत पावर है,
बहुत कुछ दे देगा, बहुत नेम और फैम मिलेगी इससे। होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है बट पाने के लिए बहुत कुछ है। सो आज ही से इन्हीं चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करूं। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेश्चंस आते हैं तो एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा, मुझे डीएम कर देना। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा, पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर देना, एंड अपने टीममेट्स को भी बोलना कि वो भी वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करें, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।